न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियस फिजिक्स। तो न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, और इस न्यूक्लियस पे अगर कोई दूसरा न्यूक्लियस बम्बार्ड कर लें, सही है, तो उससे क्या बनेगा, उसको क्या कहते हैं, उससे रिजल्टेंट क्या बनेगा, उसकी एनर्जी किस तरह होगी, इसकी एनर्जी हम कंप्लीट इसकी एनर्जी हम मेजर किस तरह करते हैं, और स्टैंडर्ड्स कौन से लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टैंडर्ड होंगे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने मास वो मेजर करने, तो मार्केट में क्या होता है, आपके पास 1 kg का एक स्टैंडर्ड मास होता है, 2 kg का स्टैंडर्ड मास होता है, 5 kg का एक स्टैंडर्ड मास होता है। तो इसी तरह यहाँ पे हम स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, कौन सा एलिमेंट को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, और जिसके थ्रू फिर हम वो मेजरमेंट करते हैं, सही है, यानी मास को कैलकुलेट करते हैं। तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में फ्यूजन और फ्यूजन को पढ़ेंगे, सही है, कि हमारे पास फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, और मास डिफिसिट, वो सारी चीजें हम, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, उसको भी हमने डिस्कस करना है। अच्छा, जो हमारे पास इस तरह होते हैं ना कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन होता है, एज यू नो, और हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, सही है, और जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इसमें न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो प्लस टाइम्स माइनस इज इक्वल टू न्यूट्रल, तो ये एटम आपका न्यूट्रल बन जाता है, सही है, यानी जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर, सही है, तो आपका ये एटम न्यूट्रल बन जाएगा, इट मीन्स कि आपका ये एटम स्टेबल हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अनइक्वल हो गए तो फिर आपके एटम पे चार्ज आएगा, वो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कितनी है, तो वो फिर आपका एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मींस कि वो इधर उधर फिरता रहता है और दूसरे एटम को, दूसरे एटम से हेल्प मांगते हैं, सही है, अनस्टेबल होता है, सही है। अच्छा, तो अच्छा इसके बाद हमारे पास इस तरह होता है ना कि जो एटम होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट अमाउंट होते हैं, सही है, एटम का। तो उसको अगर आप इस तरह कर लो कि मार्केट चले जाओ और एक पार्टिकल उठा लो, एक एटम उठा लो, उसको यहाँ पे रख दो और यहाँ पे आप 1 kg का कुछ रख दो, तो लोग हंसेंगे आप पे कि आप क्या कर रहे हो, इतना छोटा सा आपने उठा ही रहे हैं, एटम है जो कि बहुत छोटा है, स्मॉल अमाउंट है, और आप kg 1 kg उस इसी से मैया कर रहे हो। तो साइंटिस्ट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, हमने इसको 1 kg से नहीं मैया करना, हम इस तरह कर लेते हैं कि हाइड्रोजन को उठा लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसका मास नंबर भी 1 है, सही है, और इस तरह कर लेते हैं कि हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे रख लेंगे और हाइड्रोजन हमारे पास स्टैंडर्ड हो जाएगा, सही है, एलिमेंट को हम मेजर करेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास 1U होगा, एटॉमिक मास यूनिट, और दूसरा एलिमेंट, तो हम इस तरह 2 हाइड्रोजन रख देंगे, इस फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कार्बन को मेजर करना है तो मैंने 12 हाइड्रोजन को रखना है, सही है, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मेजर करना है, ऑक्सीजन को यहाँ पे आपने रख दिया, सही है, तो एक हाइड्रोजन मैंने रख दिया, दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया, ऑक्सीजन बिल्कुल अनबैलेंस है, जब 16 हाइड्रोजन पे आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सही है, तो 16 हाइड्रोजन पे आपका ऑक्सीजन बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास है, तो उसके बाद क्या पता लगेगा ऑक्सीजन का मास कितने, 16 है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में एक मसला आ गया, वो मसला क्या था, वो मसला यही था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो सारे एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपाउंड नहीं बनाता, कुछ के साथ कंपाउंड बनाता है, कुछ के साथ कंपाउंड नहीं बनाता हाइड्रोजन, सही है, तो ये मसला है। तो फिर साइंटिस्ट ने इस तरह किया कि उन्होंने कार्बन को ले लिया, लेकिन यहाँ पे कार्बन में भी यही मसला था कि इसके बहुत सारे आइसोटॉप्स थे, एक कार्बन 13 है आई थिंक, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन 14 है या कार्बन 11 है, इस तरह 14 है, तो इस तरह आइसोटॉप्स हैं कार्बन। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह कर लेते हैं, कार्बन 12 को उठा लेते हैं, सही है, तो उन्होंने कार्बन 12 को उठा लिया और कार्बन 12 का कोड इस तरह डिफाइन कर लिया, यानी उन्होंने डिफिनीशन को चेंज नहीं किया, डिफिनीशन उन्होंने वही रखा, यानी 1U, ये इसका स्टैंड, इसका यही था ना कि उन्होंने कहा कि हमने यही मास लेने, यही स्टैंडर्ड लेने, 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो इन्होंने डिफिनीशन वही रखा, डिफिनीशन इन्होंने क्या रखा, इन्होंने कहा कि your 1U will be equal to 1 by 12 times mass of the carbon, carbon 12, सही है, definition उन्होंने वही रखा, यानी इससे करो mass of the carbon 12 क्या है, 12 भी है, तो इन ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास 1 ही आएगा,
तो इन्होंने कहा कि हम इस तरह कर लेते हैं कि 1/12 टाइम्स मास ऑफ दी कार्बन 12, सही है। अच्छा, जो हमारे पास कार्बन, उन्होंने इसलिए कि हमारे पास ये कंपाउंड बनाता है, ये आपका कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ भी, ये कंपाउंड बनाते हैं जो मेन एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ भी ये कंपाउंड बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी कंपाउंड बनाते हैं, और इस तरह ज्यादातर एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड बनाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कार्बन को चूज किया, सही है। तो ये बात आप जहन में रखो, हमारे पास कार्बन उन्होंने क्यों चूज किया, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, तो हमारे पास इस तरह के मास ऑफ कार्बन क्या है, पता है आपको मास ऑफ कार्बन इन के जी? केजी में 1.99 × 10⁻²⁶ किलोग्राम है, सही है, मास ऑफ द कार्बन। तो 1U विल बी इक्वल टू 1/12 टाइम्स 1.99 × 10⁻²⁶ केजी, सो दैट्स विल बी इक्वल टू 1.6605 × 10⁻²⁷ केजी। तो इट मींस के ये रिलेशन आपको एटॉमिक मास यूनिट ठीक और केजी में रिलेशन दे रहा है। जी सर, ये तो ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आगे काफी यूज होगा, सही है, ये रिलेशन, और शायद आपके एमसीक्यूज में भी आगे आ जाए, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, 1.66 × 10⁻²। अच्छा, तो बेस ऑन दिस स्केल उन्होंने इस तरह किया कि मास ऑफ प्रोटॉन, योर मास ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 1.007276 μ, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.008 65 μ, mass of electron will be equal to 0.00549 μ, सही है? तो ये इसके इक्वल है, इसको अगर आपने kg से कन्वर्ट करना है मास ऑफ प्रोटॉन को, तो इससे बस जस्ट मल्टीप्लाई कर लेता आपके पास kg में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब अच्छा ये भी आपने ज़हन में रखनी है, ओके, ये आप याद रख लो, क्योंकि ये अक्सर आते हैं एमसीक्यूज में या न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी एग्जांपल कर लेते हैं, शायद आपको समझ आ जाए। जी सर। ओके, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हीलियम को ले लेते हैं एग्जांपल, हम इस तरह के हीलियम को ले लेते हैं। हीलियम के क्या होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो प्रोटोन और फोर जी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 times मास ऑफ प्रोटोन, 2p है ना यहाँ पे, तो 2 times मास ऑफ प्रोटोन इज 1.007276 प्लस 2 times मास ऑफ, हमने क्या करना है, मास ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करना है, प्लस 2 times मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 1.00810865 जी, 1.00865 हो जाएगा, सही है। तो इससे क्या आएगा सर, इससे आएगा 4.03182 ओके, म्यू आ जाएगा, सही है। अच्छा, एक्चुअल मास हीलियम का क्या है, 4 एटॉमिक मास 4.001508 μ है, सही है। तो डिफरेंस कितना आ रहे हैं, इसमें जो डिफरेंस आ रहे हैं दैट 0.030374 μ आ रहे हैं, सही है, ये इसमें डिफरेंस आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस कहां से आ गया, आइसोटोप्स की वजह से, आइसोटोप यूज किया जाता है से? जो अब एटॉमिक मास और टोटल निकालते हैं वो आइसोटोप्स को ऐड करके उनके एवरेज निकालते हैं ना, तो अब हमने ये जो उनका मास निकाला है वो एक्चुअल हो गया, और हमने आइसोटोप्स अंदर नहीं किए, तो बाकी जो उसके हीलियम का और कोई आइसोटोप होगा उनको मैं ला के ये बनता हूँ। अच्छा, अभी जो मैंने मेजरमेंट किए हैं, सही है, तो जी हमारे पास मैंने सिंपल इस तरह लिए कि प्रोटोन को लिए अलग सा, न्यूट्रॉन को अलग सा लिए, उसको मैंने एड अप कर लिया, सही है, दो प्रोटॉन्स ने दो प्रोटॉन्स को मेजर करे वो और मल्टीप्लाई कर लिया, और दो न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमारे पास न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, और अलग नहीं होते, एक दूसरे पे कुछ रेडिएशन होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स या कुछ भी यहाँ पे होते हैं, तो ये एक दूसरे के करीब इसलिए आते हैं कि कुछ एनर्जी इन्होंने रिलीज किया होता है, सही है, सही है, कुछ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से कुछ एनर्जी इन्होंने रिलीज किया होता है, तो ये डिफरेंस वहां से आ रहे हैं। इसको आप बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हो कि ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, ये जब बाइंड होंगे प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन जब बाइंड होंगे तो इतना एनर्जी इन्होंने रिलीज करना है, इतना मास इन्होंने रिलीज करना है। अच्छा, एनर्जी कितनी रिलीज करनी है वो हम आगे अभी फाइंड कर लेंगे, सही है, लेकिन अभी तक आप ध्यान में यही रखो कि जब दोनों करीब आएंगे तो वो बाइंडिंग जब बनाएंगे तो वो इतना मास रिलीज करेंगे।
इसको हम मास डिफिसिट भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस तरह हो गया कि आइंस्टाइन आ गया, उन्होंने हमें एक रिलेशन दे दिया एंड दैट इज द एनर्जी मास रिलेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, योर सी विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸। इट मींस के अगर आपका मास 1 kg हो तो एनर्जी कितना होगा, दैट इज 3 × 10⁸ जूल। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास मास डिफिसिट कितना आ रहा था, 0.003, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 0.003374 म्यू है, तो म्यू की जगह मैं ये रिलेशन यूज कर लेता हूँ, यानी केजी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली मास केजी में लेते हैं, 1.66 × 10⁻²। ओके, ये आपका मास हो गया, सी स्क्वायर तो सी 3 × 10⁸ होल स्क्वायर, तो इससे क्या आता है, इससे आता है 4.53 × 10⁻¹². ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁷ जूल है, वो रिलेशन ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जी रुके या 9.11 समथिंग का, यस 1.66 × 10⁻¹⁹ 1.6 × 10⁻¹⁹ जी। ओके, सो यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास इससे जो 4.54 जूल में आ जाएगा, सही है, तो इट मींस कि इतना एनर्जी, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, ठीक, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम हो गया। अच्छा, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आपको बताती है कि आपका जो एटम है वो स्टेबल है या नॉन स्टेबल है, सही है, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो इट मींस कि आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा, सही है, जो एटम है वो आपका स्टेबल होगा, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी अगर कम होगा इट मींस कि आपका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। अच्छा, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखो क्योंकि एंटीटेस में आगे आएंगे, जी सर। अच्छा, और ये बाइंडिंग एनर्जी आपको ये भी बताता है कि जब आपका जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन जब कंबाइन होंगे, सही है, ये जब कंबाइन होंगे तो कितना एनर्जी रिलीज करेंगे, तो इतना एनर्जी रिलीज करेंगे, हीलियम के केस में कितना करेंगे, 4.54 × 10⁻¹² जो एनर्जी रिलीज करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है, दैट इज योर 1 μ, इसको भी आपने ध्यान में रखिए, 931 MeV, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको रिलेशन दे रहे हैं, 931 MeV। तो अब इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको, ये तो हमारे पास ऑलरेडी म्यू में है ना, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.003074 × 931 = -MeV। तो अगर आपके पास ऑप्शंस जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस होंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपने इसी तरह कन्वर्जन करना है, लेकिन अगर जूल में फाइंड करें तो आपने उसी तरह फिर वो ये रिलेशन यूज करना है, ठीक है। So that is equal to, find कर लिया आपने? 28.29 MeV मेगा, ये हीलियम का आ गया, सही है आपके पास, इस तरह आप और भी एलिमेंट्स का भी फाइंड कर सकते हो, सही है? जी सर। अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरह है कि अगर आपने अभी हमने मास फाइंड कर दिया प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तो उसका मास ज्यादा आ रहा था, सही है, ज्यादा आ रहा था, जब कंबाइन हमारे पास मास था वो कम था, तो उसमें मास डिफिसिट आ रहा था, तो अगर आपने इसको डिसइंटीग्रेट करना है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपने डिसइंटीग्रेट करना है, जिस तरह ये है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है इस पे, और इसका कोई इफेक्ट नहीं है उस पे, सही है, ये दोनों का इफेक्ट बिल्कुल जीरो है, दरमियान दोनों के दरमियान इफेक्ट बिल्कुल जीरो। तो यहाँ पे आपको अगर आपने इसी इन दोनों को सेपरेट करना है, और कितना सेपरेट करना है, अप टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी में ले जाओ इसको, आप इतना दूर कर लो कि एक दूसरे पे बिल्कुल कोई इफेक्ट ना हो, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसको, यानी कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी या कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक, दैट इज योर मास डिफिसिट, सही, और वो रिलेशन जो है वो 1 μ इज इक्वल टू, और 1 μ इज इक्वल टू kg एंड 1 μ इज इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, इससे एक एमसीक्यूज हम आ गया, इससे आ गया या लाइफ टाइम आगे हम पढ़ेंगे, तो लाइफ टाइम से तो अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, तो वो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे, सही, कल बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।